शुक्रिया, प्लीज विराजमान हो जाइए। आप सभी को बारिश के मौके पे बहुत बहुत बधाई। बारिश का मौसम आ गया, देख लो आप। अच्छा, बारिश हर इंसान के लिए अलग होती है। आओ मेरी माँ, बेटे का शो है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी निकलो, कोई पूछने वाला नहीं। आइए, मेरी माँ के लिए जोरदार तालियां। बारिश ना हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। आप देखो, यंग लड़का बारिश में भीग रहा हो ना, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी भीगने आ जाती है, दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं, टिप टिप बर। लेकिन शादीशुदा आदमी बेचारा जब बारिश से भीग के घर आता ना, बीवी वही रोक देती है, खबरदार जो सूखने से पहले घर में घुसे तो। बेचारा पति एक कोने में खुद खड़ा हो जाता है, दूसरे कोने में छाते को खड़ा कर देता है। हाँ। दोनों में से पानी टपक रहा होता है, फिर जो पहले सूख जाता है उसको अंदर ले लिया जाता है। ये हालात होते हैं शादीशुदा आदमी के। बड़े घर जो होते ना, बड़े बड़े बंगले, उनके पति भीग के आते ना बारिश में, तो वो खुद तैयार होके बैठी, तुम शावर ले लो, हॉट टॉवल से मैं तुम्हारे लिए ना कॉफी बना देती हूँ। मिडिल क्लास वाला आदमी बेचारा आ जाए तो बीवी कर दिया सब गीला। जब पता था बाहर बारिश होने से निकले क्यों थे ऑफिस से, बैठ जाते हो आगे पकौड़े खाने के मूड में। चलो, पैदल चलने वाले, साइकिल पे चलने वाले, बाइक वाले, ठेले वाले, ये बारिश से बचने के लिए भाग के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त पेड़ उनके लिए छाता बन जाता है, वो सारा पानी अपनी पत्तियों पे रोक लेता है। वो गुलजार साहब की तरह नीचे खड़े आदमियों से कह रहा होता है कि दोस्त मेरी छाओं में वक्त काटा कर, अपने फायदे के लिए मुझे ना काटा कर। देखिए, बारिशों का मौसम है और ऐसे में 70s की दो सुपरस्टार जो हैं यहाँ पे आने वाली हैं, मैं एक एक करके उन्हें बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं गाना गाऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कौन आ रहा है। मौसमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया है। हाँ, इतने सालों से आपका ये चल रहा है। हाँ जी। आज आपको मौका आया और मुझे भी मौका मिला आपको। हम वेट कर रहे थे कि शो चल जाए तभी बुलाते, क्या पता बीच में बंद ना हो जाए। बीच में बंद होएगा, आप होते हुए हैं? क्या हो ही नहीं सकता। मेरे होते ही बंद होता है, आजकल नहीं होता, शादी जब से हो गई ना। अच्छा। आप बड़ी प्यारी लग रही है मैम। थैंक यू। आपको देख, आप देख, आप चेहरे खिल गए आपको देख के सब। मौसमी मैम ने एक से बढ़ के एक हिट फिल्म दी हैं, उनमें से कुछ नाम है अनुराग, कच्चे धागे, अंगूर, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान। इनकी स्माइल इतनी प्यारी ना, मुझे लगता है हीरो प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मांगते होंगे। वो कहते होंगे इनको बोल देना 25-25 मिनट बाद स्माइल देती रहे, पैसे तो मैं कहीं और से कमा लूंगा। मैम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा, जैसे ही बरसातें आती है ना मैम, आपको पता है हमेशा एक गाना हमारे दिमाग में आता है, वही गाना जो आप पे पिक्चराइज किया गया था। ओहो, क्या गाना था वो! आज भी हमेशा बरसातों के कोई भी अपनी स्टोरी डालता है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, वही गाना लगाते हैं। मैं खुद भी उस गाने का बहुत फैन हूँ, वो गाना तो इतना खूबसूरत था ही। मौसमी जी गाने से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, देखिए आप। ऑलवेज है ना, इनके चक्कर में बच्चन साहब रेनकोट पहनना भूल गए थे, वो सूट में ही निकल गए। मैम बच्चन साहब की तो टांगे इतनी लंबी हैं, तो आप मैच कर पा रही थी कि भागना पड़ रहा था साथ साथ आप? बच्चन साहब महंगे इतने लंबे हैं। नहीं नहीं, बच्चन साहब इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो इन न्यू के इसके साथ मुझे मैच करना है, तो वो छोटे छोटे कदम ले रहे होंगे। हाँ, और मुझे लग रहा था मैं पीछे चली गई। अच्छा। तो मैं थोड़ा और पीछे चली जाती तो कैमरा फिर मेरे पास आ जाता, बच्चन को छोड़ देता। मैम वो गाने को देख के लग रहा था सच्ची में बारिश हो रही, वो असली बारिश थी कि करवाई गई थी? नहीं नहीं, वो बॉम्बे में सचमुच बारिश था एंड बासु चैटर्जी का पिक्चर था मंजिल, मुझे आज भी याद है। अभी तो वाटर प्रूफ आईलाइनर निकला है। हाँ। तभी नहीं था तो फिर तो बस एक शॉट के बाद देख रहा हूँ हीरो भी हंस रहा है, बाकी लोग भी हंस रहा है, इधर की काली इधर की लाली सब एक। फिर जाओ, फिर एक जगह में पूरा बैठो, फिर सुखाओ। अच्छा, ऊपर से घर जाने के बाद साड़ी पहनी थी, ग्रीन कलर फ्लावर वाला शिफॉन टाइप साड़ी, सारे साड़ी के जो कलर है ना प्रिंट सारे बदल गए। इतना लगातार बारिश, और हमें गाना सुनाए भी नहीं देता था, हमें एक रूमाल दूर से ऐसा दिखता है, मतलब गाना स्टार्ट तो आपका मूवमेंट स्टार्ट, फिर वो रूमाल दोबारा जब ऐसा ऐसा करेंगे मतलब स्टॉप शॉर्टकट, एक गाड़ी आएगा आप दोनों बैठ जाओ, वो भी गीला गीला, और बैठ के फिर एक होटल में, उधर एक होटल था वहां पे चाय मिलता था आजकल कटिंग चाय, उस टाइम में कटिंग चाय टाइप होता था, तो बोलता एक एक सिप पी लो फिर लोकेशन में पहुंचो। अच्छा। तो फिर हम लोकेशन में पहुंचे, थैंक गॉड मैंने कोई वीग वीग नहीं पहना कभी से आज तक नहीं पहना, नहीं तो मेरा वो तो हाथ में ही आ जाने वाली। ओहो, आज बड़ा मजा आने वाला है। वैसे आपको
अंदर से जो होता है ना, एक शौक भी होता है, जैसे मुझे बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, आपको बारिश अच्छी लगती है वैसे? बारिश मुझे बॉम्बे की अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि 2 घंटे में आप फुस हो जाते हैं। और ट्रेन बंद हो जाता है, बस बंद हो जाता, खाना वाली पकाने वाली काम करने वाली सब बंद हो जाता है, फिर हमें करना पड़ता है, आपको पता है ना, फिर वो हीरोइन से वही हो जाते हैं। हीरो, आज कपिल एक बात हुआ जी मैम, जब हम एंट्री किया ना फिल्म सिटी में जी, तो 3-4 ऐसा कॉस्ट्यूम में लड़के लोग खड़े थे, आइडेंटिटी दिखाई है। अच्छा। उसके बाद हाँ, तो किसी ने बोला कि ये मौसमी चैटर्जी है, वो है वो है, तो मैं किधर है मौसमी चैटर्जी ढूंढ रहा है, मैं काले चश्मा पहन के बैठी हुई थी, बोला ये है मौसमी, अरे सैलू तो गाना गाना शुरू कर दिया, मेघारे मेघारे। अच्छा। और मैं, मेरे बाजू में वो मेघा बैठी थी, इधर है अभी ये मेरी बेटी। हेलो। मैं बोला ये मेघा है, बोला नहीं नहीं ये मेघा नहीं, आपका मेघा रे मेघा रे, तो गाना चेंज कर दिया। फिर मेरे गाड़ी दरवाजे खुलिए प्लीज, आपका पैर पड़ना है, मैं बोला क्यों भाई, इससे तुम्हारा उम्र कम हो जाता है क्या? हाँ। मत करो ये काम, मैं अपना पैर ही जो पहना किया था मैं वापस लेता हूं। हां इसीलिए मैंने भी आपका ऐसा कि यू नो लाइक दैट, तो ठीक है, कौन बुरा होना चाहता है, सभी जवान रहना चाहता है, एटलीस्ट मेंटली फिजिकली तो करना नहीं था। तो वो गाना गाने लगा, फिर बोला बहुत सब फैन है आपका, ये है वो है, आधा घंटा मेरे गाड़ी में ड्राइवर तक हंसते रहे, बोला अभी नहीं चाहिए आइडेंटिटी, बोलता पहले तो बोला ड्राइवर का आइडेंटिटी, नहीं नहीं मौसमी चैटर्जी है जाइए। मैं बोला क्या बात है, एक टाइम हमने क्या पापड़ बेला, आज तक चल रहा है। अच्छा एक बात तो तय है मौसमी जी, जिस भी फिल्म में होती होंगी आसपास के को स्टार्स डायरेक्शन टीम सब बड़ा एंटरटेन होते होंगे ना, कितना प्यारा बोलती हैं, कितनी फनी हैं आप। फनी हूँ मैं, बट हनी नहीं हूँ सबके लिए। मैं से कुछ देखिए, लाइक इफ यू आस्क मी कि आप कैसे हो एज अ इंसान, मैं बोलूंगी मैं बच्चे की तरह हूँ, यू नो आप मुझे अच्छी बात करोगे मुझे अच्छा लगेगा, आप पप बोल देंगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगी, ऐसा है। लेकिन अगर आप रॉन्ग तरीके से करते हैं तो बच्चे गोदी में उठाने के बाद भी एक थपड़ा मार देते थे। सो हैंडल मी विथ लव एंड केयर, आई विल बी देयर। हाउ स्वीट मैम, आज बड़ा मजा आने वाला है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ आज की हमारी दूसरी मेहमान को, इनका भी मैं गाना गाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि कौन आ रहा है। वेलकम मैम, जोरदार तालियां रीना जी के लिए हो जाए। वाह, सारी आपकी फिल्में, सारे आपके गाने आंखों के आगे घूम रहे हैं आज आपको देख के। सो स्वीट। मैं रीना जी को भी बता रहा था, मैं 19 साल पहले इनको मिला था, ये किसी शादी में इनवाइटेड थी और मैं उसमें घुसा था। मैं भी किसी के साथ गया था और बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आज आपको अपने शो पे देख के। मुझे आपको देख के ज्यादा खुशी हो रही है, आज मेरी फैमिली बहुत खुश होगी, मेरी मम्मी शी इज नो मोर, वो आपकी दीवानी थी और उनके लिए वो इतना जबरदस्त एंटरटेनमेंट था आपका, कहती हाय मैं एक वारी मिला दे मुंडे नाल, बस मैं एक वारी मिला दे। गॉड ब्लेस। आप पंजाबी कितनी अच्छी कैसे बोल लेती हैं? आई एम फ्रॉम पटियाला। हैं? मेरे को लगा रीना रॉय, मतलब मैं बंगाली नहीं, राय से रॉय हो गया ना यहाँ। अच्छा। बहुत कुछ हो जाता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे, आइए प्लीज। देखिए हमने आपको मैचिंग सोफे बनवाए हैं। आपको पता आज यहाँ पे आई, हमारे ऑडियंस के चेहरे इतने खिले हैं, ये हमारे दास दादा हैं फोटोग्राफर, ये देखो अभी फोटो खींच रहे हैं। हाँ। इनको बोल के फोटो खिंचवानी पड़ती है, लेकिन आज आप आई ना तो आपकी वैनिटी के बाहर आपके नाम लिखे हुए थे, उसी की 50-50 फोटो ले आए। आज मुझे बोल रहे थे मैं आपको अपना कैमरा दूंगा, मेरी फोटो लेना मौसमी जी के साथ और रीना जी के साथ। दास दादा काम पे फोकस करो, आप फोटो आपकी सारी ब्लर आती है और आपको फोटो खींचनी है। मौसमी जी ने और रीना जी ने साथ में एक ही फिल्म की है प्यासा सावन, तो आपने सोच रखा था कि दूसरी बार हम साथ में तभी जाएंगे जब कपिल शर्मा शो पे? ये कोइंसिडेंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी, ये कोइंसिडेंस है, कभी कभी कोइंसिडेंस है आप हैप्पी नहीं होते हो। That's true. Yeah, but I'm very happy because whatever I know about her, she is a happy-go-lucky person, and she is also like me, you know, handled with love and care. I'll be there. Isn't that's it? True. Yeah. That's true. So that's what I know. And another girl, which in my time I'm very fond of her, that is on Neetu Singh.
नीतू सिंह हाँ बहुत प्यारी होगी. She was also like happy go lucky person, no complicated, no politics, nothing, you know, like that. So I love people who are natural. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. मौसमी जी के जो ससुर जी थे जी मिस्टर हेमंत कुमार, ही वांटेड टू साइन मी फॉर 5 years. अच्छा, तो मेरी माँ ने कहा 5 साल कल तक ही प्रोसा, माफ करो जी मेरी बच्ची 5 साल के लिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी. आफ्टर दैट व्हेन मेरा उनके साथ फिल्म का नहीं हो सका तो शी वॉज यू केम फ्रॉम कैलकटा आई थिंक सो. नहीं नहीं नहीं, आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज एंगेज्ड. मेरी आशीर्वाद हो गया था तो देन माई बुआ जी वॉज लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर. ओके, एंड आई एम द लास्ट गर्ल फ्रॉम माई फैमिली सो शी वॉन्टेड टू सी मी मैरिड. अच्छा, सो आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड माइनर. इसीलिए ना मेरा जन्म यार किधर मिलता भी नहीं है, पासपोर्ट में अलग है, शादी के सर्टिफिकेट में अलग है. लोग बोलता है माई एल्डर सिस्टर इज यंगर देन मी बाई इयर्स, क्योंकि जब ऐसे शादी फिक्स हुआ तो उधर से हेमंत कुमार नेचुरली हेमंत मुखर्जी है, सिंगर प्रोड्यूसर, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन. ही जस्ट कॉल एंड से कि इसको 2-4 साल बढ़ा दो, तो 2-4 साल में मैं बढ़ गई. आप उसको कमा नहीं सकते, हीरोइन लोग 5 साल छोटा पसंद करेंगे. आई एम ओल्डर देन माई हस्बैंड, आप कुछ बोल नहीं सकते. आप एवरी टाइम आता है यू बॉर्न इन 1948 और 47, मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, पैदा तो हुई हूँ ना. ओह, मेरी मम्मी को भी ना अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो मैंने पूछा, मैं कहा मम्मी आप अब बड़े हुए तो हमने सोचा कि यार केक मंगवा सकते हैं, अब तो बर्थडे मनाना चाहिए. तो मैंने पूछा कब पैदा हुई थी, मम्मी कहती तेरी नानी कहती तू लोहड़ी वाले दिन पैदा हुई थी. तो हमने पिछले 5-7 साल से मम्मी का जन्मदिन लोहड़ी वाले दिन मनाना शुरू कर दिया. अच्छा है ना, दो दो खर्चा एक में हो जाता. अच्छा, रीना जी ने ना जीतू साहब के साथ, जितेंद्र साहब के साथ 20 या 22 फिल्में की हैं आई थिंक. मौसमी जी ने भी उनके साथ 15 से ज्यादा फिल्में की हैं. अगर आप दोनों नहीं होती तो जीतू जी की 50 फिल्में कम हो जाती लाइफ में. आप अपना करियर बनाने आई थी कि जीतू जी का करियर बनाने आई थी दोनों आप? गुड वन, मैं यहाँ आई थी शादी करके, करियर बनाने नहीं आई. आप शुरू से ही शादीशुदा थी, आई मीन मतलब टेंथ. बहुत छोटी उम्र में आपने शादी कर ली. तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना जी, जी, जी. लेकिन यहाँ पर आके शक्ति सामंत हेमंत कुमार के दोस्त थे, राज खोसला जी इनके दोस्त थे, इनके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था. उन्होंने बोला दादा इसको एक इसका टैलेंट है आप करने दो. मैं बोला खेल कूद में ठीक है, मुझे क्या मालूम था मेरा पहला पिक्चर सिल्वर जुबली हो जाएगा. अनुराग किया बस, और तब से जो आंधी हुई आंखें ही नहीं खुल रहे. यार कितनी प्यारी बातें करती मौसमी जी आप. मैं हुई प्यारी. जितेंद्र जी की बात कर रहे थे आप, भूल गए. कौन करियर बनाने आए? हाँ वो तो बात ऐसे ही, मुझे लगता आज यही बोलेंगे और आपसे सवाल जवाब ये करेंगे. बहुत बोल लिए आप, बहुत बोल लिए आज. आपकी बारी है, मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के. हाँ क्योंकि आपको बहुत फुर्सत मिल रहा है ना. कपिल शर्मा शो में आए लेट और फिर हम पूछ रहे भाई वो किधर है, बोला ही इज ब्रीफिंग, वो पढ़ रहे हैं. मैं बोला आर्टिस्ट तो हम लोग हैं, वो क्या पढ़ेगा. जितेंद्र जी ही इज वेरी वेरी आई कैन से वेरी हार्ड वर्किंग मैन, व्हाट आई नो अबाउट हिम. एंड ये बिल्कुल प्रोड्यूसर का आदमी है. अच्छा जी. मतलब 9:30 शिफ्ट में 8:30 तैयार होकर बोलेगा अरे चलो तैयार हो, चलो तैयार हो. मतलब ही इज दैट, बिकॉज़ नहीं मतलब आउटडोर भी हो तो नीचे से रिसेप्शन से हेलो हेलो निकलो निकलो अभी अभी 5 बजे का हम लोग निकल रहे हैं आउटडोर शूटिंग पे. बट ही वाज लाइक दैट्स व्हाई ही सस्टेन इतने साल जो उन्होंने रखा, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्किंग पंचुअलिटी विच इज मोस्ट ऑफ हीरो. एंड उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी, एक 9:30 के शिफ्ट में रेडी हो जाता था 8:30 और एक 9:30 के शिफ्ट में 3:30 तक पता ही नहीं. एक संजीव कुमार, दूसरा राजेश खन्ना, तीसरा शत्रुघ्न सिन्हा. पहुँचते नहीं थे, पहुँचते नहीं. तो हमारी ये हालत होता था, पैकअप का टाइम हो जाता था. एक दिन में 3-3 शिफ्ट करनी. मैं तो एक ही शिफ्ट की आर्टिस्ट थी,
मैंने 3-4 किए बिकॉज शी वॉज नॉट मैरिड. आई वॉज मैरिड एंड बिकम अ मदर ऑल्सो विद इन 2 years टाइम. And I was never ambitious. लेना है तो लो, नहीं तो मच्छी खरी खा के हस्बैंड के साथ झगड़ा करके घर में रहे. My husband has a good sense of humor. वो बोलते हैं कि कभी हाथ पैर दुखेगा ना तो किसी को बुलाओ, पायल को बुलाओ, मेघा को बुलाओ, मेट को बुलाओ. जिस दिन आपका गला दुखेगा उस दिन मुझे बुलाना. तो बड़ी बात है कि आपके मतलब सामने आपके हस्बैंड बोलते भी हैं. हाँ बोलते हैं. नहीं पर वो फिर भी कम बोलता है. नहीं बाबू नहीं बोलता है. हाँ और क्या, अभी बोलता है, शाम को 2 पेक में बात बहुत बोलता है. He loves drinks. So इन लोगों को पेपअप के लिए सब समान होता है. अपने अच्छा खास गर्लफ्रेंड देखेंगे तो खुद फूट आपका जैसा ना अंदर पॉपकॉर्न फूटता है. So, ऐसे होते रहते हैं. मुझे लगता था मेरी मम्मी बहुत बोलती है, पंजाबी में बोलती है, हिंदी में नहीं ज्यादा बोलती. मुझे लगता था मेरी मैंने अंदिया पंजाबी हां करो. वाह आई एम इंडियन वूमन. मुझे सब आता है, इशारा भी आता है, बात नहीं करो तो भी समझ में आता है. मुझे लगता था मेरी मम्मी बड़ी फनी है, लेकिन आज मौसमी जी को मिलकर लग रहा है कि नहीं भी क्या ही बात है मैम, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुनके. मुझे भी बहुत मजा आया. ये देखो ना, ये स्वीट हार्ट इन लोग है ना हमें पिकअप करने के लिए. लेकिन मैंने बहुत सीखा है, आज भी सीखती हूँ. मैंने एवरी आपसे भी बहुत सीखा है, क्योंकि आपका जो शो होता है ना, इस मतलब कोई मुर्दा भी बैठ के उठ के हंसेगा. यू नो हमें कोई कोई बोलते हैं कि जब मौसमी हम डिप्रेशन में होते तो आपका अंगूर चला देते. अरे मैं बोला कपिल शर्मा का शो देखो ना ये. मैं अर्चना जी के साथ भी काम किया है और मेरे ख्याल से जुल्म की हुकूमत. हाँ. चीको चीको चिकलो 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 जुल्म कर रही थी उसमें आप. हुकूमत हुकूमत कर रही थी आप. नहीं तभी वो जुल्म की हुकूमत की शिकार थी. हाँ. आज वो कर रही है जुल्म. अच्छा मौसमी जी ना हमेशा खूबसूरत पत्नी के किरदार में या हीरो की गर्लफ्रेंड के किरदार में, जैसे इन्होंने नागिन बना, आपका कभी मन नहीं किया मैं नागिन बनूं या डाकू का रोल करूं कभी ऐसा? नहीं मैं तो नागिन पकड़ा हाथ में पकड़ा है बहुत बार है? मुझे दुलाल गुहा का एक पिक्चर था, उनमें से एक कोबरा निकला. नीतू सिंह के साथ पिक्चर कर रही थी, जहरीला इंसान. अच्छा जी. हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सांप निकल आया. अच्छा. और ऐसे में पकड़ लिया, चिंटू ने इतना जोर से चिल्लाया और मेरे हस्बैंड थे वहां पर, बाबू बाबू मौसमी ने स्नेक पकड़ा. और मेरा हस्बैंड बेचारा नहा रहा था, टॉवल पहन के बाहर आया. आके मुझे क्या बोलता है आप सुनिए, मुझे क्या बोलता है, स्नेक छोड़ो, आई डिवोर्स यू. स्नेक छोड़ दो, आई डिवोर्स यू. ऐसे चलेगा, स्नेक नहीं छोड़ेगा. वाह ये सब कहानी हो चुका है मेरे साथ. बाप रे यार मजा आ गया यार, आप लोग को देख के हृदय पुलकित हो गया, मजा आ गया. एवर ग्रीन हीरोइंस के लिए जोरदार तालियां. मौसमी चटर्जी जी और रीना हसोए जी, रीना रॉय जी, आज कोई नहीं रॉय, सब हसोए. मौसमी जी क्या कर रहे हैं आप यार? आपके जो खड़े हुए हैं ना इधर से, उसको हाथ में लेने का एक बार मुझे फील कर सकती हूँ? यस प्लीज आइए. तो अरे रिमोट कंट्रोल हम ऑपरेट होते हैं इससे. आपका दिखता है, बहुत लोग बहुत से ऐसे चलते हैं पर दिखता नहीं है. हम आपको बता रहे हैं ना, पीछे ना लोगों ने हमसे कह दिया था कि आज एंट्री लेने का जरूरत नहीं है. हाँ. ये मैनेज कर लेंगे. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. ये सारा हंसी मजाक का बात चलता रहेगा मौसमी जी, लेकिन एक जरूरी सूचना आपको देना है. प्लीज प्लीज आप ना अपने हस्बैंड का जो फोन है ना थोड़ा चेक किया कीजिए. क्यों? हमें लगता है कि हमारे पड़ोसन के साथ उनका कुछ चल रहा है. अच्छा है. तो आपको क्यों लगा चल रहा है भाई? बाबू नाम ये है ना, कोशिश कर रहा था, फेल हो गया.
बाबू नाम है ना उनका। बाबू बोलते हैं, बच्चे होते हैं भी बाबू बोलते हैं, मेकअप मैन को भी बाबू बोलते हैं। भाई हमने तो अपनी पड़ोसन को फोन पे बोलते हुए सुना, मेरे बाबू ने ताना ताया। उसका मतलब वो छोटा था। नहीं नहीं, ये कोई और ही बाबू है, हम खाली बोल। आपको कैसे मालूम? अरे लड़कियां जिसको प्यार करती है उसको प्यार से बाबू बोलती है, वो थोड़ी ना उनके पति को फोन कर रही थी। प्यार से बाबू बोलते हैं? हाँ तो तभी हम सोच रहे हैं कि अर्चना जी थोड़े दिन पहले क्यों कह रही थी मेरे 2000 का बाबू हो गया। आपको पता है ये पैसे से इतना प्यार करती है, अभी कुछ दिन पहले बैंक गई थी पैसे लेने। तो सारे जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ लेकिन 4 आदमी और 2 बंदूक लेके तो नहीं जाते हैं ना। अर्चना जी हर चीज आप नहीं लूट सकती हैं, डिसाइड कर लीजिए। अच्छा। बैंक या सोनी? सोनी। सच में आपको बता रहा है मौसमी जी। हाँ। आप बंगाल से है ना? मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। हाँ ना, वो अच्छी बात है, लेकिन वैसे बंगाल से है आप तो, मतलब खूबसूरत जगह है, लेकिन हमको ना एक प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे। क्या? सब लोग एक दूसरे से ची 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 क्यों बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? की बोलची, ये बोलची, वो बोलची, हर चीज में ची। अरे तुम महाराष्ट्र में है तो आमची तुमची खमची नहीं होता है क्या इधर? यही होगा। वो तो है। के बोलची मतलब क्या कह रहे हो तुम, ये मतलब होता है उसका? सच में ये होता है। एक बात हमको समझ में नहीं आता है, एक बार हम वहां गए थे, सब लोग हमको भालू भालू क्यों बोल रहे थे, बोलते तुम्हें खूब भालो, तुम्हें खूब भालो। हाँ तो नहीं क्या हुआ कि भालू को भालो कैसे बोलेंगे? तुम्हें खूब भालो, तो भालू को बोलना पड़ेगा ना, मतलब भालो, भालो मतलब भालो, भालू भी भालो होता है। भालो मतलब तुम बहुत अच्छे हो, बहुत भालो। अरे आपको क्या लगता है इसको नहीं मालूम? इसका चोटी ऐसा एंटीना जैसा है, इसको नहीं मालूम? सब मालूम है। तभी हम सोच रहे हैं एक बार एक खूबसूरत लड़की ने हमसे कहा तुम ही खूब भालो, हमें बात समझ में नहीं। जरूर ना, हमको पता नहीं था कि तुम ही खूब भालो क्या होता है, हमें आया गुस्सा, हमने कह दिया तुम ही खूब बंदरिया। हमारे दोनों हावड़ा पर ऐसा फावड़ा मार के गई है वो। हावड़ा का फावड़ा मार गया? पता नहीं, जरूर बेवड़ा होगा। अरे यार, लेकिन वहाँ का खाना जो है ना, आगे डिस्कस करते हैं। खाना जो है ना वहाँ का बड़ा मजेदार होता है, माछर झोल होता है और अपना वो क्या, नींबू? नहीं नहीं, रसगुल्ला। तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? रसगुल्ला ऐसे थोड़ी होता है। हम निचोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने मीठा मना किया है ना, तो हम रस रस निकाल के गुल्ला गुल्ला खाते हैं। वो लगते ही हो, आपका कोई निकला नहीं है ना, चलता रहता है। अरे बाप रे, लेकिन वो 70s 80s का दौर था। क्या फिल्में, क्या गाने। तभी देखिए अभी भी हम धोती में घूम रहे हैं, मतलब पैंट में क्या रखा है? पैंट तुम्हें आती नहीं, नहीं तो पहन तो तुम भी लेते। शर्मा जी आपको कुछ देना चाहते हैं, लाए थे आपके लिए। मिल नहीं रहा है, धोती में लाया ना मैंने। अच्छा अच्छा, बाहर पड़ा है, बाहर जाके ले लीजिए। तो जेब में हाथ क्यों डाल रहे थे? मैंने वो तो हमको खुजली करनी थी इसलिए डाला था। ये खाली भालू नहीं है, भालू का बीमारी भी लेके आया। नहीं थोड़ा बहाना बनाना पड़ता है, लेकिन कोई पकड़ लेगा यार। जैसे देखिए अभी आपको पता चल रहा है हम खुजली कर रहे हैं, दिख रहा है ना तुम शोल्डर खुजा रहे हैं। ये तो बहाना है, खुजली मेन यहाँ पे हो रहा है। उसी ऐसा चल रहा है आज तो, जहां मौका मिलता है अपनी बात बोलकर निकल ले। एक सेकंड का पॉज नहीं देने का। खैरो ये कैमरे कर रहा है कभी इधर तो कभी इधर, तो करने दो ना, मजे में लोग देख रहे हैं। करिए तो कहावत आपने सुनी होगी, खुजाइए खुजाइए, किधर किधर खुजाता है। अरे आगे बढ़ते हैं। बस बस बस, और खुजली नहीं हो रहा। ओके हाँ, बच्चा करने क्या है तू इधर? हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ सब भुला दिया है इन्होंने। बहुत अच्छे करते हो, मेरा शो जब भी देखा मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। तो करने दो।
लेकिन ये जो शो करता है ना, ये एडिट अटेंशन है ना सबके लिए, तो इसको एडिट करने के लिए कभी भैंस बनना पड़ता है, कभी भालू बनना पड़ता है. ही इज डैम गुड ऑन एवरीथिंग. आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको खुजली डांसर देखा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वैसे हम आपको बता दें, हम आपसे टाटा बाय बाय करने आए थे शर्मा जी, के शहर में मजा नहीं आ रहा है मौसमी जी. क्या हुआ, क्या है? नहीं, क्या है, यहाँ के घर इतने छोटे छोटे हैं. आज सुबह हमने अपने घर की दीवार पे ऐसे एक कील ठोकी, वो हमारे पड़ोसी के गले में लग गई जाके. इतनी पतली पतली दीवारें हैं. हाँ तो बच्चा, बड़े शहरों में जगह की प्रॉब्लम होती है. ये क्या बात हुआ यार, बड़े शहर में जगह का प्रॉब्लम होता है? हाँ. तो उसको छोटा शहर बोलो ना यार. वैसे आपको सच बताया, हम जा क्यों रहे हैं? क्यों? बेसिकली क्या है, हमारी मम्मी जो है ना, वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए जा रहे हैं. आहा, बढ़िया. अच्छा. है माँ की दुलारे. इतने दिन किधर था? माँ की सेवा करने जा रहा है. सेवा करने ही जा रहे हैं अपनी माँ की. अच्छा. अभी रिटायर हुए ना. है क्या कि मैं माँ की सेवा करने जाते हो? माँ ने तुमको भैंस बनाया, अब तुम सेवा करोगे नहीं तो और क्या करोगे? बाय. सुनो, हुआ क्या, माँ बताओ. अरे क्या हुआ है, क्या हम अपनी माँ की सेवा करने जा रहा है? क्या है माँ का नाम? प्रोविडेंट फंड का. माँ का नाम ही भूल गया. नहीं नहीं, हमारी मम्मी. माँ का नाम? नहीं नहीं, बोलता माँ का नाम है, मतलब कहने के. मेरा नाम इंदू है. हम जानते हैं. माँ समझो, बराबर सेवा किया करो. हाँ तो बराबर सेवा करेंगे. अभी हमारी मम्मी का भी जो निकला है प्रोविडेंट फंड, वो अगर आप भी दे दे. मम्मी मत बोलो, तुम भाग रहे हो यहाँ से. अरे नहीं भाग रहा, हम ही है. तो हमारी माँ का एक प्रोविडेंट फंड जो है वो मिला है 50 लाख रुपए का. हमने सोचा है कि वहाँ जाके वो पैसा हम अपने हाथों से उड़ाएंगे. आप कौन सा पार्टी करते हो जो उड़ाने जा रहे हो 50,000-50 लाख जो उड़ाने जा रहे हो? कितना सेल्फिश है तू. माँ को पैसे मिले उड़ाने जा रहा है. Don't judge a book by reading half page. पर ये खुद book, but आप जो बोले हैं कि पैसा आप उड़ाने जा रहे हो, आप कारण तो सुनिए. आज कोई कारण नहीं है. आज के जमाने में आप उड़ाते हो. सुन ले तो ना, बोलो क्या उड़ाओ ना यार, पैसा क्यों उड़ाते हो? नहीं नहीं, उड़ाने का देखिए क्या हुआ हमारी. देखो ही मत, उधर देख के बोलो सारी बात. हम बता रहे हैं, अब हुआ क्या मौसमी जी, हमारी माँ ने कभी 50 लाख एक साथ देखा नहीं था. उन्होंने देखा, उनका मानसिक संतुलन हिल गया. अब बताइए, ये पैसा जो हमारी माँ को बीमार कर रहा है, ये अपनी माँ के साथ हम नहीं रहने देंगे, इसको उड़ाना पड़ेगा. तो हम जा रहे हैं, ये 50 लाख के अगर हमें दारू भी पीनी पड़ी हम पियेंगे. इस 50 लाख का हमें जुआ करना पड़ा, हम जुआ खेलेंगे. अगर मालदीव जाके पैसा उड़ाना पड़ा, हम उड़ाएंगे. ये कोई करता है क्या? अच्छा चीज करो ना यार. सच कह रहे हैं, अपनी जान पे खेल के जो अय्याशी हमको करनी पड़ेगी हम करेंगे. अय्याशी क्यों करोगे? अच्छा काम क्यों नहीं करोगे? और बच्चा, कैसे उड़ेगा पैसा? तुम चलो, तुम मौसमी जी को डिस्टर्ब कर रहे हो. चलो चलिए. चलो मौसमी जी, एक केला ले जा सकते हैं यहाँ से. वही तो तुम्हारे चीज ले रखा है, भालू के लिए तो रखा है फ्रूट. चलिए हम चलते हैं. नहीं अच्छा अच्छा, जीते रहो. हाँ नहीं ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ कृष्णा का क्या होगा. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मैम कुछ सवाल है जो आपके लिए हमें जनता ने लिख के भेजे हैं, क्योंकि आपने सब स्टार्स के साथ काम किया 70s में, है ना, आप इतनी बड़ी स्टार हैं. तो कौन से एक्टर, कौन सा आपका को स्टार था जिसको डायलॉग्स जल्दी याद नहीं होते थे? राजेश खन्ना. उनको याद नहीं होते थे ना? उनको तो स्लेट लिखा के ना, डायलॉग लिखा के ऐसे असिस्टेंट पकड़ के रखता था. फिर उस टाइम जाता दूसरा असिस्टेंट पकड़ के रखता था. वो ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, फिर भूल जाएंगे फिर क्या. और शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने देखा है कि आप कितना भी पेज दो, 5 मिनट में उसको सारा मेमोराइज हो जाता. जो है सो है. अच्छा कौन सा हीरो था जो सबसे ज्यादा स्टाइलिश था? मुझे लगता है फिरोज खान. एब्सोल्युटली यस. मुझे लगता है शशि कपूर. बाकी की फिजिक अगर आप बोलो, विनोद खन्ना वाज वेरी हैंडसम. पहले के कुछ कुछ हीरो था आपको बोलना नहीं पड़ता था हीरो है, दिखता था हीरो है.
अभी तो बाजू में है ये तेरी पिक्चर कौन है हीरोइन कौन है अरे चुप बाजू में है अरे ये हीरोइन मुझे शम्मी अंकल भी बहुत अच्छा लगता था पहले की हाँ शम्मी कपूर इज अ वेरी स्टाइलिश हीरो रोमांटिक सीन करने में कौन शर्माता था ज्यादा जिसको आता नहीं है अच्छा फ्लर्ट कौन करता था सबसे ज्यादा मैं अच्छा कहीं ऐसा होता ना कि शूटिंग चल रही तो लड़कियां देखने आ गई अपने फेवरेट स्टार को कौन था जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़कियां आती थी राजेश खन्ना एंड विनोद खन्ना राजेश खन्ना शूटिंग कर रही थी पूरा कॉलेज हॉस्टल की लड़कियां लाइन लगा कर माय गॉड दरवाजे पे विनोद खन्ना के लिए इसका भी दिल आ गया था पर आज का दिन मैंने इनके नाम डोनेट कर दिया है आज का भी बंद कर दिया हम फिर कभी मिलेंगे हाँ, हमें पर, लेकिन क्योंकि मजा आपकी भी बोलती बंद कर दी इन्होंने ओह क्या बात जोरदार ताली हो जाए यार वाह मजा आ गया आज बंद करो अर्चना जी आप घर पे जाओ कपिल तू भी घर पे जाओ मैं भी चलता हूँ अरे मैं सोचता था इंडिया में तेरे से ऊपर कोई नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है हेलो ये सबसे डसा हुआ आदमी है समझ लेना आप लोग वो आए दो दो नागिन मैं सच्ची बताता हूँ मैडम अगर उस टाइम पे कोई शो होता तो सिर्फ मौसमी चटर्जी शो होता और कोई शो नहीं क्या बात है इसको क्या खिलाया वाह वाह ये जीतू जी बने हुए जीतू जी बन के कुछ कहना चाहती मौसमी मैम आप क्या बनकर आए हो जितेंद्र पता नहीं मुझे को अगर आप जीते तो बन के आए मैंने इतने सालों में इतने सारे किरदार किए लेकिन सच में मुझे आज नहीं पता कि मैं क्या बन के आया हूं मैं बता रहा हूं एक्सीलेंट अगर आपकी इजाजत हो मैं इनको पेमेंट दे सकता हूं इनके लिए मैं ये लाया था लेकिन ये कोई पेमेंट है नागिन को सिर्फ दूध ही लगता है मैडम बात होता है उसका फैक्ट होता है आपको नागिन का भी नॉलेज है वाह मेरे पास है वाह मेरे पास है नागिन आप कौन बन के आए हो ये बताओ पहले मैं मुझे कुछ नहीं पता अगर जीते तो बन जाए थोड़ा हकलाओ जीतू हकलाता है कभी कभी हेलो अभी ठीक है ये लो अपनी पेमेंट लो ठीक है और एकता को मत बताना कि तुम लोग यहाँ पर आए थे ये लो जाओ बाय जाओ बाय वाह 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 रीना जी जीतू रहो मौसमी जी जीतू रहो कपिल जीतू रहो अरे चिकलो उधर है आप पीतू रहो मैं अब बोलिए आप दोनों का ये ठीक है आपको देख के पता नहीं मुझे क्या हो रहा है ओ भगवान एक तो सनग्लासेस बैठ गया दिखना भी रहा है ठीक से ऊपर से बोलता क्या हो रहा है अच्छा ये ठीक है ये तो ठीक है मैं आप दोनों का शुक्रिया पूरा करना चाहता हूँ शुक्रिया अदा होता है आधा इनका करूंगा आधा उनका करूंगा शुक्रिया पूरा हो जाएगा मौसमी जी बैठ सकते हो इनको मौसमी जी सीरियसली नहीं लेना ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी एक मिनट कन्वर लाल नकली नकली क्या होता है हाँ दे दे अपना उदय कोई भी अपने माँ के पेट से नकली बन के पैदा नहीं होता अरे सीजरियन केस होता है पता नहीं तो कैसे होता है नकली उसे नकली बनाती है सैरोगेट बेबी होता है नहीं अरे तुम्हें पता ही नहीं है नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं नहीं नहीं बोलने से नहीं होता है नहीं मैडम नहीं आपको पता ही नहीं कितने बच्चे हैं आपके दो मैं भूल गया कमाल है अच्छा फिर से फिर नकली आदमी कैसे होता है एक्शन कोई भी आदमी अपने माँ के पेट से नकली बन के पैदा नहीं होता कैसे होता है उसे
ये नकली बनाती है दो उंगलियां। ये उंगलियां कैसे बनाती हैं? ये ऐसे। पैसा इतना मिलता है मैडम? मैंने एक पिक्चर में काम किया था, उसका नाम था सबसे बड़ा रुपया। जी जी। हाँ, तो अगर डॉक्टर को पैसा देते थे तो बच्चा पैदा भी नहीं होता था। तो ये पैसे की अहमियत मालूम है, लेकिन पैसा आपको बहुत देर तक नहीं जिंदा रख सकता है। आपके आसपास कुछ होना चाहिए जिसे आप मदद करते हो, प्यार करते हो। अबे इधर देख। मौसमी जी, इधर भी सेट बनाया, मैं आपको दिखा के लाऊं। इधर आइए, इधर। क्या है? हमारा टॉकीज है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां चल के दिखा सकता हूँ। आप चल के मुझे दिखाएंगे? जी। क्यों? खैर रहने दीजिए। हाँ तो बैठिए। मैं दो चंद बातें रीना जी से भी करना चाहूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। मैंने और रीना जी ने 22 फिल्में की, जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 22 ही की और 14 नहीं की। क्यों? नहीं तो लफड़ा हो जाता। कैसे? अरे 22 और 14, 36 का आंकड़ा लग जाता हम लोगों को। खैर रीना जी, मैं आपको क्या बताऊं, हमने इतना काम किया है साथ में, लेकिन एक चीज मैं आज कन्विंस, मैं मेरे को आज पहली बार इतने अच्छे आर्टिस्ट के फंबल निकल रहे हैं। मैं मगर आपकी इजाजत हो तो। जी, क्या इजाजत है? एक कन्फेस करना चाहता हूँ। तो करो ना। मैंने रीना जी के साथ इतना काम किया। तो क्या हुआ? मुझे न... मुझे रीना जी के साथ बहुत लोगों ने बहुत काम किया, तो उससे क्या हुआ? मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी और एक बात बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? जब ये आके मुझे हाय कहती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब जाते जाते बाय कहती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। जीतू जी, मेरी बात सुनिए, आप जो बातें कर रहे हैं ये बातें आपको शोभा देती हैं? क्या बात है, ये बातें मुझे शोभा ही तो देती है मेरी बीवी। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ बातें ही नहीं, मुझे वो लंच देती है, डिनर देती है। कौन? शोभा। पॉकेट मनी भी देती है, 20 रुपीज। हेलो मैम, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक लकड़ी एक लकड़ी और लड़की, क्या बोल रहे हो? लकड़ी। अच्छा, लकड़ी। हाँ, लकड़ी को आप ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां हो तो वो टूटती नहीं है। ये क्या बात हुई? मैं एकता की बात कर रहा हूँ। एकता की। और कपिल अंकल, आप मुझे चॉकलेट खिलाने के लिए चलेंगे? ये क्या है? ये तुषार की बात है, जब वो छोटा था वो ऐसी करता था। वाह वाह वाह। पॉज नहीं लेना, पॉज नहीं लेना। कीप। नहीं नहीं, कैसी हैं आप मौसमी जी, आप कैसी हैं? मौसमी जी के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं? मैं आज मौसमी जी की एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को देना चाहूंगा। कौन सी? मेरी और मौसमी जी की संतान 30 साल की हो चुकी है। क्या? क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, हमने संतान नाम की फिल्म की थी। हाँ, वो आज 30 साल हो गए। जोरदार तालियां हो जाए। मौसमी जी, आप मुझे एक और बात आपकी बड़ी अच्छी लगी। अरे नहीं, नहीं, नहीं। देखो इसको, इसको पीटी पड़ गया है। मौसमी जी, मुझे सुनिए, मुझे आपकी एक और बात बहुत अच्छी लगी। क्या? आपके नाम में जी लगा हुआ है, मौसमी चटर्जी। क्या बात है, मैंने भी अपने नाम में जी लगाया, लेकिन बहुत गड़बड़ होती है। क्या? क्योंकि मेरे नाम में तू भी लगा हुआ है, जी तू। बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मौसमी जी, क्या कहेंगी आप? क्या लेंगी आप, बताइए। ए ए, आपको खाने का है तो आप खाओ, नहीं करते। और बैठने का है तो बैठो। आपको क्या बाथरूम जाना है? आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, क्यों? मुझे सीधी तरह खड़े नहीं हो सकते? मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने 300 एपिसोड किए, पहली बार मुझे बाथरूम लगी है, मैं आपको बता नहीं सकता। वाह वाह वाह। और मौसमी जी, क्या लेंगी आप? अरे आपके अरे, पास कुछ है नहीं, आप क्या देंगे? अरे क्यों नहीं है, ये फल वाले भैया देखिए, फल लगा के बैठे हुए। अरे देख, ये तो सेट की चीज है, आपके लिए असली है। और अंकल, आप क्या लेंगे ये बताइए। ये क्या पूछ रहे हैं? अरे मैंने सोचा मौसमी जी से बात कर रहा हूँ तो संतरा जी से भी बात कर रहा हूँ। वाह वाह। ये बाबा, आज मुझे कुछ हो गया है। इसको और पाइनएप्पल भैया कैसे हैं?
आप जूस पियेंगे? नहीं नहीं, मैं आपको आपका जूस नहीं, संतरे का जूस पिलाऊंगा। हेलो, आप डरना नहीं। अरे हेलो, जीतेंद्र के साथ मैं वीग उतर जाएगा। हाँ जी, क्या कर रहा है? वीग उतर जाएगा, किसी से पूछ जा रहा है। आपको बताइए, मैं क्या बताऊँ? हाँ बोलिए जी, ये बात सुनिए, ये देखकर मुझे वो चीज याद आ गई। क्या? जब भी मैं अपने घर पे जाता हूँ, मेरे बच्चे यही कहते हैं। क्या कहते हैं? पापा आ गया, पापा आया, पापा आया, पापा आया, पापा आया, पापा आया। मैं आपको बता नहीं सकता, तुषार जो है मेरे को, हाँ बहुत अच्छा, पापा आया, पापा आया। हम लोग 80s के लोग हैं, छोटे मोटे नहीं है। अरे हमारे वक्त में कमाल हो जाता था, क्या हो जाता था? कमाल हो जाता था। और कमाल भी अरे नहीं मैं आपको कमाल बताता हूँ। अरे सामने अगर शेर आता था तो कभी कोई डर के भागता नहीं था। इतने निडर थे आप? निडर विडर कुछ नहीं, शेर काफी पावरफुल हुआ करते थे, भागने का मौका ही नहीं देते थे। अरे आजकल के शेर, मैं आपको बताऊं, मार्केट में, मेरी बात सुनिए, नहीं अरे जब इसके पास शोभा है, शोभा नहीं, ब्रेक मत दो उसको। आप शेर से, अरे वो क्या कर रहे हो यार? मैं पपीता खाऊंगा आज। पपीता खा नहीं रहे हो, पपीता फाड़ रहे हो। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो छिलका छिलके खाना होता है, केले खाओ। थैंक यू। देखिए मैं बता नहीं सकता आप। अब बता नहीं सकते हो, पहले हंस लो। नहीं पहले आप सुनिए, क्या बोल रहा था यार मैं उस टाइम पे शेर को देख के कोई भागता नहीं था। क्यों? अरे आप तो शोभा को देख के भागते थे। क्या बात कर रही हैं? मैं बोल रही हूँ, वो शोभा थी। आज की डेट में आज के शेर मैं आपको बता नहीं सकता। आज के शेर है कहीं? है, लोखंड वाला बैक रोड पे जाइए आप। अरे कल ही मैंने देखा, एक गाड़ी के पीछे शेर भाग रहा था। अरे वो कुत्ते होंगे? नहीं नहीं, वो गाड़ी थी येलो कलर की। अरे मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं शेर की बात कर रहा हूँ तो कुत्ते की बात क्यों कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये इसका यही प्रॉब्लम है, ये कुछ भी बन के आ जाता है और कुछ भी बोलने लगता है। अरे बन के तो आप आए, तो कुछ भी बोलने तो दे यार। मैं मौसमी जी, आई रियली लव यू। मैं आपको सच्ची बता सकूं, क्या कर रहे हो? आई रियली लव यू। आप क्या आर्टिस्ट हैं यार, मैं आपकी बड़ी फिल्में देखी मैंने। अच्छा, आपका बहुत मैं अच्छा खास आपके लिए जामुन लाया हूं। ये तो सफेद है। अरे जीतू जी की गोली है? नहीं नहीं, ये जामुन ही है। जीतू जी की हर चीज सफेद है, मैं ये भी पहनता हूँ सफेद है। आपको पता है मेरे एक फूफा है, उनकी बाई टांग भी सफेद है। बाई टांग सफेद का मतलब? प्लास्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, उनकी टांग टूट गई थी, मंगल सूत्र गिर गया था, उनकी टांग टूट गई। अरे मंगल सूत्र गिरने से कैसे टूट सकता है? मंगल सूत्र में बुआ भी तो थी, वो गिर गई, साथ में गिर गया बुआ। हे भगवान, लेकिन सफेद कपड़े पहनने के सफेद कपड़े पहनने के बहुत फायदे भी होते हैं। क्या? अरे मैं प्लेन में जाता हूँ, लोग मुझे कॉकपिट में भेजते थे पायलट समझ के। मैं तो होटल के बाहर खड़ा होता हूँ, मेरे इतने फायदे होते हैं, लोग मुझे गाड़ी की चाबियां देके चले जाते हैं। ये तो नुकसान हो गया आपका। अरे नुकसान तो उनका हुआ ना, मेरा फायदा होता है, मैं सारी गाड़ियां घर ले जाता हूँ। मेरे पास रोहित शेट्टी से भी बहुत बड़ा कलेक्शन है गाड़ियों का। अच्छा। मेरे पास तो इतनी गाड़ियां हैं कि मैं सुबह दूध भी लेने जाता हूँ तो मैं पैदल जाता हूँ। इतनी गाड़ियां पैदल क्यों जाते हो आप? नकली हूँ, येड़ा थोड़ी हूँ, पकड़ा जाऊंगा ना बाहर गाड़ियां लेके। क्या बात कर रहा है, आप करने क्या है यहाँ पे नकली? जीतू जी, मैं अभी मौसमी जी से बात करने आया हूँ। अच्छा, करनी है? मौसमी जी, हाँ जी, करो फिर। नहीं, बिना ब्रेक के ट्राई करो। मौसमी जी, बाहर बरसात बहुत हो रही है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों बात करते हैं? तुम ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? ठीक से बात करो ना जीतू, ऐसा नहीं बात करता। मौसमी जी, हाँ बोलिए। मौसमी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए बरसात बहुत हो रही है। कहाँ? बाहर बरसात बहुत, बाहर ही नहीं, नजर हो नहीं रहा। हाँ जी,
आपकी जो बातें बची आप अगले एपिसोड में कर लेना। और तू भी एक काम करना, हाँ। जैसे पैकअप होगा मेरे साथ मरीन ड्राइव चलना। क्यों? वहां पर 3-4 घंटा बातें करना मेरे से। तेरा जितना कंटेंट है वहां निकालना। इसका क्या कंटेंट है? ये पूरी तैयारी करता है। किधर? ये जब आता है बहुत मेहनत करता है, पूरी तैयारी करके आता है। लेकिन आज का बच गया हमारा, अगले में बोलेंगे। बाकी मैं आपने कमाल कर दिया, आप पहली बार शेरों को 1.25 शेर मिला, इनके लिए जोरदार ताली। हाँ तो मैं भूल गया था मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। पापाया खाने आए थे। हे भगवान, ए वीक मत खोलो, अभी ठीक लग रहे हो। मैं आज काफी परेशान हूँ। अभी धर्मेंद्र बन गए। मैं पहले जीतू लगता था, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया। आप करने क्या हैं यहाँ पे नकली जीतू जी? एक्चुअली तू ही पढ़ ले बेटे। ये ले, ये पढ़ के दिखा कपिल। ये आपके आप लिए। कब जाओगे? अभी जा रहा हूँ। रीना जी ने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की थी, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दे दी थी कि नागिन के टाइम पे सारे सुपरहिट स्टार जितने भी थे, चाहे सुनील दत्त साहब, फिरोज खान जी, संजय खान साहब, विनोद मेहरा, कबीर बेदी साहब, सारे इनसे डसवाने को तैयार हो गए। जीतू जी को इन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो साथ में नाग थे। मैम नागिन आपको कैसे ऑफर हुआ? मतलब बड़ी बड़ी आंखों की वजह से कि बड़े स्टारडम की वजह से आपको? बड़ी कमाल की फिल्म थी नागिन। एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। अच्छा जी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर लेती, तो मेरी माँ ने भी कहा है तू बंदिया नू मार रही है, क्यों कर रही है? मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है और थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट फिल्म। पर नागिन के बाद मैंने सुना कुछ लोग फैंस आपसे डरने भी लग गए थे। हाँ बहुत डरते थे, बहुत है? बहुत। जहाँ शूटिंग पे नहीं, शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था, हाँ। और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, खट 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 में आ गई ऐसा होता था। आप रियल लाइफ में आप सांप से डरती हैं वैसे? नहीं डरती आप? बंदों से। मुझे पता, मेरे ना पिताजी ने एक बार मुझे किस्सा सुनाया था, चंडीगढ़ में आप शायद कोई क्रिकेट मैच देखने आई थी, हाँ। बोलते व्हाइट कार में रीना रॉय आई, सफेद साड़ी, सफेद गाड़ी, काला चश्मा और परी लग रही थी। उस दिन मैंने अपने पिताजी की आंखों में इतनी चमक देखी जब वो आपका किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने एक और बात सुनाई, उन्होंने बोला कि आपके पास एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई थी और वो आपको देख के यूं कर रहा था। और इन्होंने आईजी साहब से शिकायत करी, उस बंदे को हटाया, फिर मेरे पिताजी की ड्यूटी लगी थी आपके पास। अच्छा। उस समय की बात है, कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली थी आपकी कुछ शूटिंग के दौरान, मैं दिखाऊं आपको? दिखाई जरा, ये मौसमी जी, ये कहाँ की फोटो है, ये याद है आपको? हाँ, जितेंद्र एंड माइसेल्फ। देखिए मेरी शूटिंग तो नहीं हो रही थी क्योंकि विदाउट मेकअप है ऐसे। मैं या तो वहाँ पे जस्ट पहुंची होगी शूटिंग के पहले और इन लोग का शॉट चल रहा था या कुछ, बट मुझे याद नहीं है कब है मेरा। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हमेशा लगती हूँ। और दिखाइए। ये रीना रॉय है, विनोद खन्ना है और रंजीत विलेन है। ये एक्चुअली दत्त साहब के घर पे कोई पार्टी थी। अच्छा जी। तो ये दोनों दत्त साहब के डिस्कवरी है ना, तो मैं बैठी थी तो फोटो उस वक्त की है। ये ऑलरेडी बैठे हुए थे जब आप बैठी, तो ये दोनों साइड में आके बैठ गए। बाद में आए। आपको देख के बैठ गए। और दिखाइए। और उसके बाद मेरा लुक भी यूं था, ओ माय। ये है मौसमी जी, बच्चन साहब और रेखा जी। हाँ। ये कहाँ की फोटो है मौसमी जी? मुझे लगता है कोई गेट टूगेदर पार्टी, किसी की पार्टी में गई थी होगी। इधर मैं, मुझे लग रहा है मुझे छींक आ रहा था, मैं पता नहीं क्या हो गया। ग्लासेस कितने स्टाइलिश पहने मैम आपने। हाँ हाँ, ये एक शौक है मेरा। अच्छा जी। सनग्लासेस का
मेरे को बड़ा शौक है और टीवी पहनने का शौक है। नहीं, 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 नहीं। बच्चन साहब कुछ खा रहे लगता, उन्होंने हाँ। बोला भी कि फोटो मत खींचो, लड्डू हाँ, है। बोला ठहर जा यार, निकलने दे। हाँ। फोटो खींच लिया। हाँ। और दिखाइए। ये तो रीना रॉय जी, क्या जम के डांस कर रही। और रीना, ये अंधा कानून फिल्म की है। अंधा कानून की। अंधा कानून की ये भी पहली दफा हिंदी फिल्म मेरे साथ ही किया ना इन्होंने। अच्छा जी, और दिखाइए। लो जी, ये आपकी और ऋषि सर की फोटो है मौसमी जी। ये भी मुझे लगता है दो प्रेमी। अच्छा जी, राज खोसला जी का। और दिखाइए, और हैं फोटोग्राफ। आई रियली मिस चिंटू। चिंटू जी बहुत 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 प्यारे आदमी है, मेरा जैसे ही है, भयंकर भी है। ये है रेखा जी, रीना जी और राजेश खन्ना साहब। दिस इज आशा ज्योति। ये एक दूसरे को साड़ी एक साथ खरीदी क्या? नहीं नहीं, सेम साड़ी है। तो दो पत्नी और एक पति। हाँ, एक्चुअली दोनों एक जैसी साड़ी पहने हुए हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला वो मुझसे कंपटीशन चल रहा था। नहीं, दोनों ने फ्लावर लगाया, टीका भी लगाया, सेम जैसे साड़ी पहना, सेम जैसे आदमी के साथ खड़ा हुआ। अभी उनका एक्सप्रेशन तो देखो, दो के बाद हालत क्या हुई काका जी की। वैसे भी आदमी का एक के बाद ही हालत ऐसा होता है, तो छोड़ो। सिक्सर, सारे सिक्सर आ रहे हैं। वाह, क्या बात है मैम। बिल्कुल। और दिखाइए। आज कपिल को पंच मारने की कोई जरूरत नहीं है। आज सारे पंच आज मुझे कुछ इंटरव्यू ये उनका ले रही है। ओहो, ये देखिए, शशि कपूर साहब। यस, आई यूज्ड टू कॉल हिम शशि अंकल, यू नो। अच्छा जी। हाँ, मैं कुणाल के दोस्त थी, और ये पिक्चर में जब हम आउटडोर में गाना गा रहे थे, तो शशि कपूर आके बोला, हम लोग रोमांटिक गाना गा रहे हैं, अभी अब अंकल मत बोलना। तो मैं बोला, फिर मैं क्या बोलूँ आपको, शशि जी बोलिए या शशि बाबा बोलिए। अच्छा ठीक है, शशि जी बोलती हूँ। ये पिक्चर है नैना। अच्छा जी। ये बाहर आवाज आ रही है, बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। अरे रिमझिम गाओ रे। गाओ? हाँ, आपको तो गाने का बहुत शौक है। दे रिकॉर्ड। क्या ब्यूटीफुल गाना है, वाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग। मौसमी जी, आपकी अंगूर फिल्म भी बड़ी कमाल की फिल्म है, इतनी मजेदार फिल्म है ना, आज भी देखो तो बड़ा मन नहीं भरता। तो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की है, मतलब लेजेंड आदमी। एक पिक्चर नहीं किया ना, कोशिश। उसमें गुलजारी तो था डायरेक्टर। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें भी गुलजार साहब। और गुलजार जी मेरे मदर इन लॉ की उर्दू टीचर थी। अच्छा, गीतांजलि में आते थे, तो हम उनको पहले से ही जानते थे। तो गुलजार साहब सेट पे सीरियस होते थे कि मस्ती मजाक करते थे? वो पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। ऐसे कुछ कुछ लोग होता है ना, अच्छे चीज भी ऐसे देखते हैं, ऐसे टाइप के होते। अच्छा, एक ना मजे की बात है, संजीव कुमार साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मौसमी जी के साथ पति का रोल भी किया, पिता का रोल भी किया, देवर का रोल भी किया। कभी आप सेट पे कंफ्यूज नहीं है कि अभी पिछले सेट पे तो मैं इनको आई लव यू बोल रही थी, अब पैर छूने पड़ रहे हैं? वो बहुत सालों के बाद बात हुआ। आपको क्या लगता है, मैं इंटिक पीस यार, कब से कर रही हूँ। तो संजीव कुमार जब बाप बने तो जवाने में बाप लगता था। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मोटे हो जाते ना, ये अच्छा है कि आपने अभी अच्छा मेंटेन किया, बीच में आंकड़ा भी आ गया था बाहर। मैं ना अपनी मम्मी को रोकता हूँ, मौसमी मैम रोज ये किचन में जाके आइसक्रीम खाती है, फिर वो हमारे जो घर के है ना कुक, उनसे लड़ती है, बोलती मेरे बेटे का घर है, तू क्यों नहीं देता मेरे को आइसक्रीम। मैं पीछे चला गया तो लड़ रही थी, आज देखो आज मैम क्या बोल रही है। खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करना है, कभी कभी दिल करता है। नहीं, कभी कभी नहीं, बुरा खा के बचना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत लंबे देर तक खाओ। हाँ, चीज में थोड़ा थोड़ा खाओ, खाओ रोज खाओ। ऐसे लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग बैड है, क्यों बैड है, क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है ज्यादा करने की। अभी विस्की या वाइन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाने के पहले एक पी लो। अब एक थोड़ी पिएंगे, चार लगाने के बाद बोलेगा पचवा लगा यार। तो हम कोई हर चीज आप लिमिट के अंदर कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर करते हैं शादी के बाद, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बीवी को और फिर कर सकते हो,
तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। कोई नहीं कर सकता, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, जाता है बंदा। नहीं नहीं करते हैं, कोई कोई वाइफ तो लास्ट पर्सन होते हैं, उनको मालूम पड़ता है। ऑलवेज मोस्टली सी अर्चना इज गॉन थ्रू मोस्टली। अच्छा हमने ना मौसमी जी के बारे में एक बात सुनी है कि ये जो भी फिल्म छोड़ती थी ना, जो करती थी वो तो हिट हो ही रही है, जो छोड़ भी देती थी वो भी हिट हो जाती थी। बड़े सारे नाम है जैसे बॉबी, मिली, कोशिश, और भी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपके पास आके कहा कि मेरी फिल्म एक बार हाँ करके मना कर दो ताकि हिट तो हो ही जाए? तभी तो आप जन्म नहीं लिया होगा ना, नहीं तो आप जरूर आ जाते। मैम आपने इतना नाम बनाया मौसमी जी ने फिल्मों में, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि फिल्म में करना नहीं चाहती थी, डेब्यू बंगला फिल्म जो कर रही थी, दो बार आप सेट से भाग भी गई थी। क्या क्या? तो शुरू का पिक्चर था बालिका वधु। पहला दिन मुझे इतना भाव मिला है, एवरीबॉडी वाज वेरी डिस्टिंग, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थॉट आई एम बिगेस्ट हीरोइन, यू नो। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा ये क्या खेलने का कूदने का टाइम है, ये मेरे को चोटी बना के इधर पकड़ता है, कोई मुंह में लेपा पोती करता है, फिर वो बाल बनाते, फिर हम मुझे टीनेजर दिखाना था तो कपड़े ऐसे सिलाए थे रो, पेटीकोट ब्लाउज ऐसा, तो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों पहना रहे हो, बोले शॉर्ट के लिए पहना रहे हो, अच्छा ठीक है, उन लोग अपने ही मस्त है, ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन मैं देखा इधर उधर स्टूडियो के बाहर ना चार नंबर बास का ये था, मैं तो ऐसा ही सच की नत वत लगा के सीधा साड़ी वाड़ी ऐसा पकड़ के बस के ऊपर उठ के चली गई। बाजू में कोई बैठा था, उसको मैं बोला चारा ना है क्या, खुद्दार औरत हूं मैं, बहुत खुद्दार हूँ। तो उसने बोला कि हाँ है, मैं बोला कंडक्टर को दे दो ना यार, और बोला किधर जाएगी, तो मैं बोला वो भवानीपुर, क्योंकि मेरे बुआ जी बहुत बड़ा लॉयर थे, मतलब उनको जज बने, तो उनसे सब डरते थे। मैं बोला ये फिल्म वाले तो डरेंगे जरूर उससे तो उधर नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं बोला मैं भवानीपुर जाती हूँ। अभी वो भवानीपुर गया और वहाँ पे बस से तो बोला ओ गया, सारे बस लोग देख रहे थे कि अजीब एक मुँह लाल इधर ये सब लगा हुआ है, बनारसी साड़ी पहनी हुई। फिर मैं एक रिक्शा वाला को पकड़ा, वो जो हाथ से पकड़ के लेके जाते, वो घड़ी घड़ी खाली टान हो के मुझे देख रहा है कि ये अजूबा कौन है, और मैं बोला यार एक्सीडेंट करेगा लेके चलो। तो मैं किधर, तो मैं बोला वो टफ रोड मेरे बड़े बुआ जी के घर। फिर वहां जाके मैं रोना शुरू किया, उतने में मेरे बड़ी बुआ बोलते हैं जल्दी तेरे बाप को फोन करना है, सब लोग हैरान है, स्टूडियो से लापता हो गई हीरोइन। और आए दिन मेरे घर में खाली शादी के प्रस्ताव आता था, क्योंकि बालिका वधु के बाद सब लोग सोचा इसको वधु बनाऊं, और मैं तब से ख्वाब देखती थी वधु बनने की, बनने के बाद खप टूट गया। रीना जी एक बात आपके बारे में सुनी कहते हैं कि आपकी मम्मी जो थी उन्होंने बैन लगा रखा था कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म आप नहीं देखेंगी, ये बात सच्ची है? वो बहुत पसंद थे। तो फिर क्यों नहीं फिल्में देखने देती थी आपको? क्योंकि नहीं, क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक कर दी थी मैं स्कूल। माय गॉड। और वहां पर वो उनका घर था ना काटर रोड पे, वहां खड़े होकर अपनी दो तीन सहेलियों के साथ कि कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से। राजेश खन्ना साहब का सुपर स्टारडम था ना, मतलब? पर जब एक बार काम किया तो वो भूत उतर गया। रीना जी आप इतनी अच्छी डांसर है, तो आपके हिसाब से जो हीरोज आपके साथ जिन्होंने काम किया है उनमें से बेस्ट डांसर कौन था? बोल दो, एक का नाम लो, दो का लो, देख कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे उनको भी। बोल दो। I think so, कमल हसन was very nice when I worked. Yes. Good choice. And the worst dancer? I think so, I can take 2-3 name. Worst में I can take name of धर्म जी, because थोड़ा बेताला हो जाते थे, मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा भी थोड़ा हो जाते थे। I can take ये दो नाम में ले सकती हूँ, but कमल हसन was really very very good. Very nice. सबसे कंजूस हीरो कौन था? मेरे ख्याल से कोई पर्स लेकर नहीं चलता घर से। अच्छा। I know they must be you know going for shooting के जो प्रोड्यूसर दे दे लो, और मैंने तो अभी तक किसी हीरो को ऐसा नहीं देखा कि ओए आज आप, धर्म जी को जरूर देखा स्टाफ को बांटते हुए, फिर विनोद खन्ना को देखा, फिरोज खान को देखा, बाकी मैंने किसी माइके लाल को नहीं देखा सेट पे पैसे बांटते हुए। अच्छा आज ना मौसमी जी हमने ना जी अपने आपके जितने भी फैंस यहाँ पे हैं, हम लोग ना हमेशा एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं किसी ना किसी मुद्दे को लेके। आज जैसे जब आप फिल्मों में आई थी उस समय मोबाइल फोन होते नहीं थे, नहीं आपका अगर शॉट
हो रहा है हाँ। उसके बाद कट हुआ, आप बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे? नहीं करते। आजकल वो नहीं करते, कभी अपने मेकअप रूम में जाके बैठते थे। तो हमने एक्चुअली आज का ये मुद्दा रखा है कि जब से मोबाइल फोन आए हैं आप घर परिवार में भी देख लो, आप एक दूसरे को फैमिली ग्रुप बन जाता है, मम्मी मैं वहां जा रहा हूँ, मम बाप ये मैसेज कर देता, आपस में बातचीत कम हो गई। आप लोगों के क्या विचार हैं कि क्या मोबाइल आने से जिंदगी बेहतर हुई है? बेहतर हुई है, कई मामलों में बहुत बेहतर भी हुई है, लेकिन उसके नुकसान फायदे जो भी आप कहना चाहें। जी मैडम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम माधुरी लक्षकार है, मैं राजस्थान से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी आपका। जी सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं सर, ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आजकल मोबाइल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े कोई भी देख लो, हर एज के लोग मोबाइल को यूज में लेते हैं। तो सर उससे क्या होता है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही है। सर ऐसा ही वाक्या हमारे घर में भी होता है, लेकिन हमने, मेरे हस्बैंड ने एक रूल बनाया हुआ है मोबाइल को लेके, कि जब मैं ऑफिस से आऊंगा उसके बाद हम एक घंटे का मोबाइल का व्रत रखेंगे, उस टाइम में हम कोई भी मोबाइल यूज में नहीं लेंगे। जी। तो बच्चे, इनके आने के बाद में बच्चे बुक्स लेके बैठ जाते हैं, ये फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद में मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, हम साथ में कॉफ़ी पीते हैं, और उस बीच में हम लोग आपस में बातें करते हैं। तो बातें करते करते ये बोलते हैं, चलो तुम फ्री बैठी हो तो मेरे पैर दबा दो। तो मैं इनके पैर दबाने लगती हूँ। अच्छा। यस सर। तो पैर दबाते दबाते सर, जो इनके पास भी मोबाइल नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता है। आपका हस्बैंड इधर है। अच्छा, आप बीवी से पैर दबाते हो। लेकिन मैं मेरा क्वालिटी टाइम जो इनके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, और ये मोबाइल चला लेते हैं। ये क्वालिटी टाइम है पैर दबाना? अरे पिक्चर जाओ, घूमो, ये रात ये चांद गाना सुनो, ये तो अच्छी बात है। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात पूरी सत्य नहीं है। जब ये हम साथ में बैठे होते हैं तो ये जब पैर दबा रही होती है, मेरे को जैसे बचपन से जब छोटा था तब से कमर में खुजली, वो पसंद है पीठ पे खुजली करना, तो ये जब हम बैठे होते हैं, जब शादी नहीं हुई तो खुजली किससे करवाते थे? मेरे छोटे भाई बहन है चार, उनसे करवाता था। तो जब ये हम बैठे होते हैं ऐसे चल रहा होता है, तो फिर ये कुछ मायके की या कोई इधर उधर की बातें करने लग जाती है, उस बातों को कितनी देर तक सुने, तो उसमें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मोबाइल हाथ में आ जाता है। तो दबाना बंद करो ना यार, जब सुनता नहीं तो तुम भी कमा लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो पे आए, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन सर, मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। अच्छा जी, जाना है फटाफट, जल्दी है कहीं। आराम से बोलिए, आराम से, अपने पास टाइम है। नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद से आए हैं जी। और जाना भी वहीं है कि कहीं और जाना है? फिलहाल तो बॉम्बे घूमने का प्लान है। बॉम्बे घूमने का प्लान है, अच्छा जी। गुप्ता जी बोलिए। तो सर जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि मोबाइल आज के जमाने में सर मुसीबत तो बन चुके हैं, लेकिन सर हमारे जैसे सिंगल लड़कों के लिए वरदान है। कैसे कैसे वरदान है मतलब? सर कुछ ऐसा होता है, कुछ लड़कों की गर्लफ्रेंड समय से पहले बन जाती हैं, तो सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ। समय से पहले बन गई? सर एक एज हाँ। होती है 18 प्लस। हाँ। ए, 18 प्लस 18 में गर्लफ्रेंड क्यों? पन्ना में तो गर्लफ्रेंड होता है। नहीं सर। नहीं, ये तो बनाई गवर्नमेंट ने कि 18 साल बालिग हो जाता है, कुदरत के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है ना। यस। तो आप मतलब आपकी गर्लफ्रेंड 18 साल से पहले बन गई है ऐसे? सर मेरी 13 की एज में बन गई थी। वो बन गई थी कि आप थोड़े डीट हैं? 13 साल। अच्छा जी, बताइए बताइए, बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहे हैं आप समाज को। जी जी। अच्छा फिर तो सर उस टाइम पे लैंडलाइन फोन होता था। हाँ। तो सर एक लैंडलाइन फोन और घर के 5 सदस्य, बहुत नाइंसाफी होती थी। अच्छा। हाँ। तो सर बिल्कुल प्रूफ प्लानिंग करनी पड़ती थी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, कि कब पापा बाहर जाएंगे, कब मम्मी सब्जी लेने जाएंगी, और छोटे भाई को तो मैं पैसे दे के बाहर भेज दिया करता था, तब बात होती थी। लेकिन आजकल जो मोबाइल आ गए हैं, हम अगर बाहर डेट भी कर रहे हैं, पापा का फोन आ गया, कहाँ पे, के कॉलेज में हूँ। अच्छा। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है, और सर इसके बहुत नुकसान भी हैं। जैसे आजकल गुड मॉर्निंग विशेष का ट्रेंड चल रहा है। हाँ। भगवान के इमोजीज और वो फूल पौधों के जो सुबह सुबह भेज देते हैं, उठता कोई नहीं है, वेस्टिंग पहले पहुंच जाती है। हाँ। सर जो भेज देता उसका तो ठीक है, जिसको आता है भेजना, जिसको नहीं आता उसका क्या। जैसे कि मेरे पापा, वो खुद तो भेजेंगे नहीं, 5:19 में मुझे उठाएंगे, जा मेरी मौसी को मैसेज भेज दे। आपकी मौसी को आपके पापा भेजते हैं? देखो आप, इसका पूरा खानदान सही जा रहा है। बाप जो है साली को भेजता है, क्यों नहीं भेजे? ठीक है, आप 18 साल के पहले प्रेम करते हो, आपके बाप साली को भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है, मोबाइल और क्या क्या काम में आते हैं।
मैं तो पांच पापा तो सो जाते, उनकी तो गुड नाइट हो जाती है, दोबारा मेरी गुड मॉर्निंग बेकार हो जाती है। तो ये जो 13 साल की उम्र में आपकी गर्लफ्रेंड बनी, ये सारे जीन्स पिताजी से ही आए ना, जो आप बच्चों के बाद भी नहीं हट रहे हैं। वाह, बहुत मजेदार फैमिली है, मजेदार फैमिली है। शुक्रिया गुप्ता जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए मौसमी जी, आइए रीना जी। दोस्तों अगर दिल से मजा आया तो दिल से तालियां होनी चाहिए आज। ओह, ये नहीं होता तो ये शो ही नहीं होता। अरे मौसमी जी, आज आपने ना, हमने बहुत सारे शोज किए हैं, बड़े सालों से कर रहे हैं। अर्चना जी को इधर बुलाना चाहता हूं। आगे पर आज की शाम ना मेमोरेबल, यादगार बना दी आपने, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब आप लोगों का प्यार ही है और कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू मौसमी जी, और थैंक यू रीना जी, आप लोग आए। एक्चुअली ये एपिसोड सालों तक याद रहेगा लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी। थैंक यू, थैंक यू। ये वाला आपका जो टैलेंट है ये हमें पता नहीं था। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।